ये फेस्टिवल के लिए तैयारियां चल रही जोर शोर से। लोकल्स हैं ज़्यादा, अभी तो खैर टूरिस्ट उतने नहीं हैं, बहुत कम हैं। लोकल्स लोग आए हुए हैं इंजॉय करने के लिए पूरा। सामने ड्यून्स पे भी भीड़ देखो क्या ज़बरदस्त हो रखी है। आगे भाई ड्यून्स में जीप में ऑफ रोडिंग के लिए। अनुभव तो भाई बढ़िया ही रहा, डॉक्टर साहब की छाती में रॉड घुस गई थी, बस मची गई है तो राड हो जाती, नहीं तो राड राड हो जाती। बढ़िया व्यवस्था हो रखी है, सिक्योरिटी पूरी तरह से मुस्तैद। ये तैयारी हो गई कैमल रेस की। ऊंट को चढ़ा दिया भाई चार पाई पे, दो दो घाट पे। भाई हम तंबू गाड़ने के लिए जीप को लेकर आए थे इधर ऊपर और ये खुद ही फंस गई। ओ भाई रेस भी ले रही क्या? अच्छा रहा अपन अपनी गाड़ी से तो ट्राई किया ही नहीं। ओ यस देखो अपना परचम यहाँ तक ले रहा भाई साहब जैसलमेर तक। हवा कम करने के बाद ट्रायल ले रहे हैं। सामान 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 ये स्पीड से नहीं ले रहा, अगर स्पीड से लेता ना हाँ तभी निकल जाता। ये है लोकेशन, यही लगा लो, यही लगा लो, ये बेस्ट के बेस्ट है। बस 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 अब यूं जल्दी जितना जल्दी हो रहा उतना जल्दी लगाओ टेंट। हाँ सनसेट का टाइम हो गया भाई, आज तो फेस्टिवल की भीड़ बहुत ही जबरदस्त भीड़ हो रखी है। सामने का नज़ारा ये देखो, ये सामने वाली जगह चूज़ करी है हमने अपने सेटअप के लिए। सामान तो हम जीप से लेकर आ गए हैं, अपनी गाड़ी से लाने की हिम्मत हुई नहीं, जीप कोई मुश्किल हुई पहुंचने में यहाँ पे तो अपन अपनी गाड़ी से तो बिल्कुल ही फंस जाता है। अब यहाँ पे सामान सब उतार लिया अपन ने और थोड़ी देर बाद अपन यहाँ का सेटअप लगाएंगे। शाम के 7:15 बजे हैं भाई और सामने फुल मून पूर्णिमा का चांद निकल गया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं जो ये नज़ारा है। चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट और नॉर्मली जो लोग आते हैं वो सामने रिजॉर्ट में और सामने जो कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पर वो लोग रुकते हैं और हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अपने टेंट्स।
और यहाँ रुकेंगे। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो सबको नहीं मिलती है, बट धर्मेंद्र बना के सोर्स थे तो उन्होंने ये सब अरेंजमेंट कराया और मुझे तो लगता है कि बहुत ही शानदार रहने वाली आज की शाम, बहुत मज़ा आने वाला है। ये लग गया भाई हमारा टेंट ड्यून्स में बीचों बीच, ये सेटअप हो गया एंड ऑल क्रेडिट गोज टू धर्मेंद्र बना। नहीं नहीं, आज भाई के अप्रोच से ही अपन यहाँ बैठे हैं। ये डेजर्ट फेस्टिवल का लाइट शो चल रहा है सामने ये, और उसके लगभग 1 किलोमीटर से दूर हम यहाँ पे अपनी कैंपिंग कर रहे हैं। क्लैरिटी कम है ना, बहुत दूर है, रात का टाइम है। और द बेस्ट पार्ट इज कि आज फुल मून नाइट है, ये देखो चांद अपने पूरे जोश में। ये भाई आग लग गई है अपनी और अब इस पे मीट पकाएंगे। ये सारा काम चल रहा है भाई साहब ड्यून्स में। शायद नॉर्मल किसी को ये सब चीज़ें नसीब नहीं हो, लेकिन आज अपनी किस्मत अच्छी थी और धर्मेंद्र बना के एफर्ट्स थे तो आज हम इस पूरी चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं। भाई दूसरा भगूना पनीर का भी चढ़ाना है, बना हाँ भगूना पनीर का भी चढ़ाना है दूसरा। पनीर और एक दाल फ्राई, एक दाल फ्राई बनेगा आज हमारा स्पेशल। याद आ गई भाई आज तो सांबर वाले ट्रिप के, वहाँ पे भी अपन ऐसे ही बना रहे थे। खैर वहाँ और यहाँ में डिफरेंस ये है कि वो एक बहुत छोटी सी जगह है और यहाँ अपन ड्यून्स में, सम के ड्यून्स में अपन ने अपना टेंट लगा रखा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और शायद ये पहला व्लॉग होगा जिसमें कि हम अपना टेंट लगा के ड्यून्स में रुके हुए हैं रात को। मैंने तो अभी तक कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं देखा जिसमें कि कोई ड्यून्स में अपना टेंट लगा के रात को रुका हो। सामने की तरफ लोग रुकते हैं जो टेंट्स लगे हुए हैं ऑलरेडी उनमें, लेकिन अपना लगाने का तो ये मौका शायद हमें ही नसीब हुआ अभी तक। दूर दूर तक बियावान रेगिस्तान, और उस रेगिस्तान में हम पांच भाई, रात के 10 बज गए, खाना वाना अपना सब तैयार हो गया और खाना शुरू करने वाले हैं। सामने अभी जो आज फेस्टिवल था उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है तो चल रहा है, और अपन यहाँ ड्यून्स पे अपना सेटअप लगा के बैठे हुए हैं। खाना खाएंगे, सोएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कल सुबह का सूर्योदय। साढ़े 7 बजे सवेरे भाई सो के उठ गए हैं, आँखों से पता चल रहा होगा, आँखों पे हल्की हल्की स्वेलिंग है, नींद पूरी नहीं हुई थी ना। और ये ठीक पीछे हमारा सेटअप है, ये छोटे वाले टेंट में मैं सोया था, बड़े वाले में आ जाते वैसे तो सारे, लेकिन ठीक है हमने एक और लगा लिया था ताकि कंफर्टेबली सो सकें। और सामने सनराइज हो चुका है भाई, ये सामने सनराइज हो चुका है। टूरिस्ट आ गए हैं घूमने, ये लोग आ गए हैं घूमने ऊंटों पे। ये थोड़ी देर बाद लोग हमारे को ही देखने लग जाएंगे कि भाई
कौन है यहाँ पे सो रहे हैं जो। तो भाई लोगों कैसी नींद आई? अब थोड़ी देर में ना अपन लोगों को ऐसा लगेगा कोई अजायब घर के लोग हैं, सो रहे अंदर, यहीं आके इकट्ठे हो जाएंगे। उठ जाओ, आ गए लोग घूमने। नींद तो भाई बढ़िया आई, थके हुए थे कल की रात तो बिल्कुल सो ही नहीं पाए थे, इसलिए आज की रात बढ़िया शानदार नींद आई। डॉक्टर साहब हो गई नींद पूरी? हाँ जी सर, बिल्कुल नींद पूरी हो गई, बहुत अच्छी नींद आ गई, सोने के बाद पता ही नहीं चला उठेगा। और एक्सपीरियंस तो खैर बहुत बढ़िया रहा ही, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। लाश को ठिकाने लगाते हुए धर्मेंद्र बना। वर्जन बना वाइंड अप कर रहे हैं सामान।